देखो क्या बोलते हैं, न च विनष्टो अपि यागः, जो यज्ञ है वो तो क्या हो गया, वह तो नष्ट हो गया, लेकिन कालांतरे फलदो भवति, कालांतर में क्या करता है वो फल देता है। कैसे फल देता है, बोले वो भी तुमको सुना देता हूं। कैसे फल देता है, जैसे कि किसी ने माता पिता की, गुरु की सेवा की, तो वह गुरु शिष्य को तत्काल फल नहीं देता, माता पिता भी तत्काल फल नहीं देते, तो हुआ क्या? अच्छा, फिर सेवा करते रहने से सेवा का जो कर्म था वो तो क्या हो गया, नाश हो गया। और संभव वो माता पिता ही मर गए हों, माता पिता ही मर गए हों, ये गुरु ही शांत हो गया हो, तो हुआ ये कि सेवा करने से उस सेव्य के मन में जो संस्कार थे वो क्या हो गए, पड़ गए। देखो उसका नाश कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से जैसे कि सेवा करने के संस्कार पड़ जाते हैं, कहाँ पड़ गए, सेवक नहीं सेव के मन में, उसी प्रकार से हम लोगों के कर्मों के संस्कार कहाँ पड़ गए, उस ईश्वर में पड़ गए। देखो अब ये मेरे ख्याल है भाष्य एकदम सरल लगना चाहिए आपको। क्या बोलते हैं, सेव्य बुद्धिवत, मिल गया, सेव्य बुद्धिवत, जैसे सेव्य और सेवक को फल देता है, उसी सेव्य की तरह से एक ईश्वर है, और वो ईश्वर कैसा है, सर्वेक सर्वज्ञ। सेव्य तो एक कोई जान रहा था जो उसकी सेवा कर रहा था, और वह ईश्वर तो क्या करता है, सबको जानता है तुमने क्या किया और तुमने क्या नहीं किया। सर्वेश्वर सर्वज्ञ ईश्वर बुद्धौ तु संस्कृतायाम, संस्कृतायाम मतलब उसकी बुद्धि में क्या पड़ गए, संस्कार पड़ गए। ये देखो, यदि आपने सेवा की तो सेव्य के मन में संस्कार तो जरूर पड़ेंगे। तो हम और आप जो अभी कर रहे हैं उसके संस्कार किस में पड़ रहे हैं, वो देखो वो सब ईश्वर में क्या पढ़ रहे हैं, संस्कार पढ़ रहे हैं। यागादारी यागादि कर्मणा विनष्टे अपि, नष्ट हो गया, सेवा समाप्त हो गई, कर्म भी नष्ट हो गया, लेकिन सेव्यादिवत ईश्वर ईश्वरात फलम कर्तुम भवति, और ईश्वर क्या करता है, उसको फल प्रदान कर देता है। एक बात तो दिमाग में न्याय बैठ जाना चाहिए, फल प्राप्त हो रहा है तो वह हमारे कर्म का ही परिणाम है। अब चाहे हम रोएं चाहे गाएं, ये तो पक्का है कि हमारा किया धरा है। इसलिए फालतू की ईश्वर से बातें करना कि हमने कभी कुछ किया नहीं, ये मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्पष्ट हो गया। दूसरा, हम लोगों को ये आश्वस्त और एकदम बेफिक्र रहना चाहिए कि जो भी हम सत्कर्म कर रहे हैं वो आज फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन वह उसकी बुद्धि में क्या होता जा रहा है, और एक दिन आएगा कि वो उठा के आपको क्या कर देगा, फल दे देगा। जैसे आज पढ़ रहे हैं तो आज ही इसका फल मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी तो, अभी ये प्रकरण आएगा। अच्छा जी, भाष्य यहां तक हो गया, कर्तुम भवति युक्तम, स्पष्ट हो गया। अच्छा आगे, न तु पुनः पदार्था वाक्यशतेन, वाह देखो बहुत सुंदर बात कही, हे पूर्व पक्ष देखो कितनी सुंदर बात कहता है। देखो तुम 1000 कोट कर दो श्रुतियां,
तुम बड़े पढ़े लिखे हो ना, कितना कहते वाक शतेन अपि, तुम 100 क्या 1000 श्रुतियां बोल दो, ढूंढ के ले आओ और बोल भी दो, मान लो मैं सुन लूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो पदार्थ का गुण धर्म होता है वह श्रुति के कहने से भी नहीं बदलता। देखो, जो पदार्थ का गुण है वह श्रुति के कहने से भी नहीं बदलता। जैसे कि भाष्यकार ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, अग्नि उष्ण है, यह देशांतर और कालांतर में कहीं नहीं बदलेगा, चाहे श्रुति भी यह कह दे, श्रुति मतलब वेद भी यह कह दे कि अग्नि ठंडी होती है, तो भी व्यक्ति नहीं मानेगा कि अग्नि ठंडी होती है। चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे रूस चले जाओ, वहां पे भी जो अग्नि होगी वो कैसी मिलेगी, गर्म ही मिलेगी। देशांतर ही नहीं, कालांतर में भी चले जाओ तो सुबह हो या ब्रह्म मुहूर्त का समय हो या 12 बजे की रात होवे, वहां पे भी अग्नि कैसी मिलेगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, पदार्थ का अपना गुण धर्म नहीं बदलता है, भले श्रुति ही उसको 1000 बार कह दे। आप भाष्य पढ़ सकते हैं, आसान हो गया, न तु पुनः पदार्थाः वाक्य शतेन अपि देशांतरे कालांतरे वा स्वस्व स्वभावं जहति, नहि देशांत कालांतरेषु च अग्नि अनुष्णो भवति, अग्नि कभी भी अनुष्ण नहीं हो सकती, चाहे वह किस में चली जाए, देशांतर में चली जाए चाहे कालांतर में। मतलब जो पदार्थ का गुणधर्म है वह कभी भी नाश नहीं होता। हाँ, हाँ, मान लो, कह दो आप बुद्धिमान हो, कहीं से ढूंढ के ले आओ, कहीं की कहीं कुछ भी कोट कर दो, कर ही रहा था ना अभी तो ये कोट, करने दो ना। मान लो कोई बुद्धिमान श्रुति लेके चला आए, तो भाष्यकार क्या कहते हैं, पदार्थ का जो गुण धर्म है वह श्रुति के कहने से भी नहीं बदलता। जैसे कि अग्नि, अग्नि अनुष्ण नहीं, अनुष्ण मतलब ठंडी, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, कहाँ चले जाओ, कहीं चले जाओ, सुबह हो या शाम। इस तरीके से एवं, देखो कंक्लूड करते हैं, एवं कर्मणा अपि कालांतरे फलम द्विप्रकारम एव उपलभ्यते। तुम कितना भी पढ़ लिख लो, तुम इस बात को बता दो कि कर्म का फल दो फलों के अलावा, दो फल मतलब आगामी फला और कालांतर, कर्म का जो व्यक्ति को फल मिलता है वह दो ही है, कौन कौन सा, आगामी फला और है तीसरा कोई, आगामी और कालांतर, ओ अनंतर फला और कालांतर, इसके अलावा कोई और है तीसरा। व्यक्ति जो भी करता है ये दो ही हैं, इसीलिए वो क्या कहता है, कर्मण अपि काल, जैसे कि अग्नि कभी अनुष्ण नहीं होती, अग्नि जैसे पदार्थ है उसने क्या कह दिया, ऐसे कर्म भी क्या है, एक पदार्थ है, और कर्म का फल सदैव दो ही प्रकार से उपलब्ध होता है, किस प्रकार से, अनंतर फला, या तो कर्म तुरंत फल दे देगा या तो कर्म क्या फल देगा, कालांतर में। यह नियम कभी भी बाधित नहीं हो सकता। अब बाधित होता है तो तुमको खुली चुनौती दे रहा हूं, बाधित कर दो, देखो कैसा, आप उसको खुली छूट दी ना, जो बोलना हो बोलो,
अब आपके दिमाग में आ जाए कि तीसरे प्रकार से कर्म का फल प्राप्त नहीं हो सकता, या तो अनंतर फला या तो, अच्छा आप क्या बोलते हैं, जैसे कि देखो एक फल की बात करते हैं, बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्ष अविज्ञानवत कर्तृ मिल गया अपेक्ष फलम कृष्यादि। देखो जो किसान विज्ञानवत है, विज्ञानवत मतलब जानकार है, किस चीज का जानकार है, किस किस का गिन लो, खेती के लिए वह जो बोने वाला व्यक्ति है उसको बीज, अब आपको यही नहीं पता कि टमाटर और लौकी के बीज में क्या अंतर है, तो बोएंगे कुछ निकलेगा कुछ, तो पहली जानकारी किसकी होनी चाहिए, बीज की। दूसरा, किस भूमि में क्या होना चाहिए, किस भूमि में क्या होना चाहिए, इसका मतलब भूमि का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो दूसरा क्या हो गया, क्षेत्र। तीसरा संस्कार, संस्कार मतलब उसका संस्कारित करना, कब उसके पत्ते निकालना, कब उसको काटना, कब उसको पानी देना, कब उसमें दवाई डालना, ये सब उसको क्या कहलाएंगे, संस्कार। जैसे जब बाल काटे जाते हैं उसको भी क्या कहते हैं पता है, संस्कार करना, इसको भी इसीलिए तो षोडश संस्कार आते हैं, बाल कटना भी एक प्रकार का हमारे यहां क्या माना गया, संस्कार करना है, मुंडन। तो वह भी तुमको आना चाहिए, तो किस किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, बीज क्षेत्र संस्कार और उस खेती की रक्षा कैसे करनी चाहिए, कुत्तों से जानवरों से पशु से पक्षी से मानव से उसकी रक्षा कैसी करनी चाहिए, जिस जिस विज्ञान ऐसे कृषक को जो इतना विज्ञानवान है उस किसान को कालांतर में क्या हो जाएगा, फल मिलेगा। ये अब अपने आप पढ़िए जरा, अब ये स्पष्ट हो गया आपको, बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्ष विज्ञानवत कर्तृ अपेक्षम कृष्यादि। तो यहां कालांतर में फल किसने दे दिया, किसान के ज्ञान ने, किसान के ज्ञान ने ही उसको क्या कर दिया। अच्छा अब सेवा का फल, तो क्या हम लोग सेव्य हो सकते हैं, इसका मतलब जैसे किसान विज्ञानवान था ऐसे ही सेव्य को भी क्या होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना तर्क कैसा हुआ, जैसे कृषक विज्ञानवान है ऐसे ही सेवा का फल देने वाले को, फल देने वाला मतलब सेव्य, उसको भी क्या होना पड़ेगा, विज्ञान। उसको किस चीज का विज्ञान होना चाहिए, बस इतना सा काम चल जाएगा। अब देखो उसने पैर तो दबा रहा था और अंदर सोच रहा था कि ये व्यक्ति कब सोए मरे यहां से भागे, अब ऊपर से तो क्या दिख रहा था, अब क्या वो फल दे पाएगा, ऊपर से तो आप सेवा ही कहो कोई ना भाई, कोई कोई किसी के पैर छूता है तो अंदर से आदमी भी कहां से सामने आ गए, पैर छूना पड़ गया ले,
अब हम और आप तो बोलेंगे बड़ा इसने प्रणाम किया महाराज, लेकिन आपको पता है इसको प्रणाम का कोई फल नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भाव। अब हमको बना दिया जाए, हमको बना दिया जाए कि तुम फल दो तो हम तो फटाफट फल दे देंगे, लेकिन वो जो देने वाला है वो बहुत चालाक है। आप 4 घंटा उसके आगे हाथ जोड़ के बैठे रहो, उसको ये सब पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और अब हम बोलते हम इतनी पूजा करते हैं, हम तो हमको कुछ मिलता ही नहीं, हम तो इतना जप करते हैं। अरे करते तो हो, लेकिन कैसे करते हो? कभी ये सुन देखा है? तुम्हारी फिल्म दिखाएं तुमको? तुम्हारे मन में क्या क्या गंदे गंदे भाव आते हैं ये दिखाएं तुमको? जैसे कि कृषक जो किसान था वो कैसा होना चाहिए? विज्ञानवान। मेरा प्रश्न ये है, इसी तरीके से वह जो सेव्य है वह भी कैसा होना चाहिए? अब प्रश्न है, जैसे कृषक बीज क्षेत्र परिरक्ष संस्कार का ज्ञान था, ऐसे ही उस सेव्य पुरुष को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? भाष्यकार कहते हैं नोट कर लो, ये जिसमें होगा वही ईश्वर होगा। अपने आगे ईश्वर लगाने से ईश्वर नहीं हो जाता कोई, और कई तो संत लोगों ने भी अपने आगे ईश्वर लगा दिया, तो उनके लगाने से तुम थोड़ी न हो गए कि तुम अपने आगे ईश्वर लगा दो तो तुम ईश्वर हो गए। अगर ईश्वर बनने का बड़ा शौक है तो तुमको ये चीजें होना चाहिए। देखो आप नोट करो, इस कर्म का ये फल होता है ये तुमको पता होना। इसका मतलब जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं उस कर्मों के फल को तुमको क्या होना चाहिए? जो भी होगा, हम नहीं कह रहे कि वो ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, शिव है, जो मर्जी वो मानो, लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी फल दाता है उसको यह पक्का ज्ञान है कि इस कर्म का ये फल है। बनता है पहला, दूसरा यही नहीं, यदि इसने मंदिर में ये काम किया है तो इसको ये फल मिलेगा, और यही काम इसने वहां किया है घर पर तो इसको ये फल मिलेगा। इसका मतलब फल भेद हो गया, कर्म भेद नहीं हुआ। तो उस कर्म के फल को प्रभावित किसने किया, किस स्पेस में किया? वाह, किस स्पेस में किया, किस देश में किया? आपने मंदिर में किया। देखो मंदिर में किसी ने बेईमानी की तो फिर उसकी गति सोचो आप कितनी दुर्गत होगी। मंदिर में रहकर उसने बेईमानी की तो कितनी दुर्गत होगी उसकी। बेईमानी घर पे रह के की वो एक अलग है, एक बेईमानी व्यक्ति के साथ की वो अलग है। अब माता पिता गुरु के साथ बेईमानी की, ओहो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब उस फलदाता को उस कर्म को किस देश में किया यह भी उसको पता होना चाहिए। अच्छा और देख लो, किया तो लेकिन किस समय पर किया? एक कुछ लोग होते हैं जो कह देते ना कि फिर हम तो हमारे लिए तो सब कुछ एक ही जैसा है, ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन किया गया उसका विशिष्ट फल है, उस दिन का फिर फल विशिष्ट मिलेगा क्योंकि वो काल कैसा था। अब जब ग्रहण समय है तो इसलिए मना किया जाता है कि ग्रहण समय में कैंची मत चलाओ, चाकू मत चलाओ, ग्रहण समय में जप कर लो,
नहीं, बोले हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारे कर्म पर काल का भी क्या पड़ता है, और काल का प्रभाव यही देख लो आप अभी अभी। इसी केनो उपनिषद को रात में पढ़ाया जाए तो बुद्धि कैसे लगेगी, और यही केनो उपनिषद प्रातः काल पढ़ाया जाए तो कर्म तो वही है लेकिन काल का फर्क हो गया है, तो कितना फल आ गया। इसका मतलब जो सेव्य होगा उसको देश का, उसको काल का। तीसरा क्या है पढ़ो भाई, निमित्त। निमित्त मतलब इंटेंशन, कोई जिम्मेदारी पूरा करने के लिए। अरे कर दो यार, हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, ये एक भावना। माता पिता की सेवा कर रहा था गुरु की, तो भाव तो रहित था लेकिन सेवा की क्रिया हो रही थी, क्रिया तो कर रहा था तो दिख रहा था लेकिन उसके अंदर किसी तरीके की कोई भावना, भगवान बोलते हैं उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए। किसका? निमित्त का। कितना हो गया? देश, काल, निमित्त, चौथा विपाक। ये कर्म का फल 8 साल बाद देना है कि 12 साल बाद? हमको बनाने को दे दिया जाए तो हम 8 का 12 दे दें, 12 का 4 में ही दे दें उसको। उसको ये पता होना चाहिए कि इसको जवानी में ये फल देना है, बुढ़ापे में ये चीजें देनी है, मरण काल में ये फल देना है। इसका मतलब किस समय क्या फल जो पका है वह देना चाहिए, ये ज्ञान उसको होना चाहिए। जैसे आप FD कराते हैं ना, तो उस बैंक को पता है कि आपने इस दिन कराई थी तो 5 साल बाद यदि टूटेगी, अगर इसने पहले से इसमें से पैसा निकाल लिया तो इसको वो धन नहीं मिलेगा जो इसने पहले से सोचा था। तो इसका चौथा अर्थ क्या किया गया? विपाक। विपाक मतलब वो फल कब पकेगा, हाँ, मैच्योरिटी का समय। अब तुम ये बता दो, ऐसा कौन है जिसको देश, काल, निमित्त और विपाक? भगवान भाष्यकार कहते हैं विभागज्ञ, इनके विभाग को वह जानने वाला होना चाहिए। वह वही एक ईश्वर है जो देश को भी जानता है, काल को भी जानता है, आपकी भावनाओं को भी जानता है, और उसको ये भी पता है कितना भी चिल्ला ले इसको इस समय ये फल नहीं देना चाहिए। अच्छा बोले ये ईश्वर के पास ये सब कैसे सेव है, उसके पास कोई हार्ड डिस्क है क्या? वहां कैसे सेव होता है? वहां संस्कार, उस समष्टि में उसके क्या पड़ गए? संस्कार। इसको युवकों को समझाने के लिए ऐसे कहते हैं कि जैसे तुमने 8 साल पहले कोई एक फोटो खींची थी, 8 साल पहले, और वो फोटो आज चाहिए, कहां से मिल गई तुमको? तो एक क्लाउड बना, एक आई क्लाउड बना, वहां पे वो क्या हो गई? सेव हो गई। और सेव हो गई, हमको नहीं दिख रही है लेकिन जब आपको चाहिए तो आपने किससे ले ली? आई क्लाउड से। आई क्लाउड दिखता नहीं है,